It's me, Ankita, and welcome back to my channel. I hope you people are doing great and having a great time. So guys, first of all, thank you so much for the participation in the giveaway and all the love and everything. I'm really really grateful. और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ my haul. Now मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं in terms of makeup, skin care. So I was like कि चलो आपको ये सब दिखाया जाए. So in no particular order मैं आपको ये सब दिखाने वाली हूँ. I'm just going to dig my hands in और आपको दिखाऊंगी. So starting off with some essentials जो कि होने ही चाहिए. So I have got this. This is the Wow Chocolate Caffeine Face Mask. It's been a long time जब मैंने ना बहुत ज़्यादा face mask और नहीं लगाया. I'm just using जब मुझे ऐसा लग रहा है कि it's very very necessary तब. So I got this और मैं आपको दिखाती हूँ कि how it looks. So it comes with a brush जो कि हमेशा आता ही है and the packaging is like this. ये इस तरह की packaging है, like a normal packaging, and I am going to do like a full review of this very soon. तो मैंने ये मंगाया है because chocolate caffeine are really good for glowing skin और इसलिए so I thought why not. तो मैंने ये चीज मंगाई है. देन अनदर एसेंशियल्स आर ये है नायका के एसेंशियल ऑयल्स और ये है बेजल, ये है पेपरमेंट, सॉरी ये है टी ट्री, आई एम सो सॉरी. सो दिस इज फॉर लाइक यू नो इची स्कैल्प, डैंड्रफ वाला स्कैल्प और पिंपल्स वो सब हो तो आप इसको यूज कर सकते हो. बेजल इज अगेन फॉर हेयर्स, हेयर ग्रोथ और उन सब के लिए. सो आई गॉट दीज टू एसेंशियल ऑयल्स. यू कैन डेफिनेटली गो एंड फाउंड कि आप एसेंशियल ऑयल कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो. एसेंशियल ऑयल आर ग्रेट, आपको डेफिनेटली लेने चाहिए बिकॉज दे रियली वर्क्स. तो इसलिए ये दो एसेंशियल ऑयल मैंने लिए हैं नायका के. देन आई गॉट दीज टू लैशेज फ्रॉम स्विस ब्यूटी क्योंकि आई थिंक उन लोग ने अभी कुछ नए वेरियंट लॉन्च किए हैं अपनी 3D स्टूडियो इफेक्ट आई लैशेज में. और मैंने दो मंगाए हैं विच इज कोको एंड ओपन आईज, जिसमें से आई रियली लाइक कोको क्योंकि एक तो मेरे आईज का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा है. सो मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कटिंग वटिंग करनी पड़ेगी एंड प्लस दिस इज लाइक वॉल्यूमाइजिंग एज वेल एज ये लेंथनिंग भी मुझे लग रहा है इसलिए. एंड दीज आर ओपन आईज, आई थिंक ये काफी लेंथनिंग होंगे. सो दीज आर द टू लैशेज जो मैंने मंगाए. ओके, देन आई गॉट स्विस ब्यूटी कंसीलर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कंसीलर था बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस येलो थिंग. यू नो इसमें जो वेरियंट है ये है नंबर 7 येलो. तो आई थॉट ये जो दिख रहा था वैसे ही आएगा येलो येलो बट एक्चुअली ये काफी व्हाइटिश आया है अगर आप देखो. सो आई डोंट नो ये स्विस ब्यूटी हमेशा धोखा क्यों देता है बट इट इज लाइक दिस. ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा येलो टोन है बट इट्स नॉट लाइक कि जैसा दिख रहा था यू नो येलो येलो. तो आई थॉट कि ले लेते हैं ब्राइटनेस के लिए, येलो काफी अच्छा होता है यू नो इन मेकअप वीडियोज. सो इसलिए बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट एज येलो एज इट इज शोन इन द यू नो द पिक्चर. Then I have got this. This is a Swiss Beauty eyeshadow palette. Actually, मैं plan कर रही हूँ बहुत सारे one brand makeup tutorial करने के लिए. So I'm collecting things from here and there just to you know एक अच्छा सा makeup look बनाने के लिए. So I got this eyeshadow palette. ये actually आपको 249 rupees का मिल जाएगा but you can always get on great discounts. तो ये इस तरह से है ये आई शेडो पैलेट. देर आर सम फ्रॉस्ट शेड्स राइट है और कुछ मैट है और मुझे पर्सनली ऐसे पैलेट्स अच्छे लगते हैं बिकॉज यू कैन ऑल्सो गो विद दीज ऑन अ वेरी न्यूट्रल आईज क्योंकि इसमें कुछ न्यूट्रल कलर्स भी हैं एज वेल एज लाइक अ फुल पार्टी यू नो लुक क्योंकि इसमें ये पार्टी लुक्स भी हैं. सो दिस इज द आई शेडो स्विस ब्यूटी का जो मैंने लिया. ऑल द लिंक्स विल बी मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको इनमें से कोई भी चीज लेनी हो तो आप वहां जाके ले सकते हो. और ये है 01 शेड में स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो पैलेट इन 01 शेड. सो दिस इज वॉट आई हैव टेकन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज दिस. ये सो नेक्स्ट मैंने लिया है फेसेस कैनेडा का मिनी हाईलाइटर एंड इट्स हैज एवोकाडो ऑयल और कोकोआ बटर और दिस इज वेरी सिमिलर इन द पैकेजिंग जैसे कि शुगर की पैकेजिंग होती है. अगर आपने शुगर के हाईलाइटर्स देखे होंगे छोटे छोटे एंड द फॉर्मूला ऑल्सो फील्स वेरी वेरी सिमिलर. तो आप ये देख सकते हो इस तरह से इसका हाईलाइटर है. आई लाइक दीज माइल्ड हाईलाइटर्स, बहुत ज्यादा चंकी ग्लिटर्स ना हो उसमें. सो दिस इज द हाईलाइटर और ये मुझे 399 का मिला है. सो
बट यू कैन डेफिनेटली गेट इट ऑन डिस्काउंट. अगर आप देखो शुगर की वेबसाइट में या फिर नायका में, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. देन आई ऑल्सो गॉट अ फाउंडेशन. लाइक आई सेड कि मुझे वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल्स करने हैं, सो जिसमें से मैंने ट्राई किया ये, क्योंकि एक थोड़ा अफोर्डेबल ब्रांड है इनसाइट, यू नो, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं ट्राई करती हूँ. सो दिस इज अ फाउंडेशन दैट आई गॉट. दिस इज ओनली फॉर 220 रुपीज एंड आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस वेरी वेरी सून. ये आप देख सकते हो एंड मैं आपको उसका शेड दिखाती हूँ. हालांकि ये शेड मुझे बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, आई एम डेड श्योर, क्योंकि ये बहुत वाइट है. बट द कवरेज, ओ माई गॉड, आप देख सकते हो इसका कवरेज, कवरेज इसका बहुत अच्छा है. सो लेट्स ट्राई, देखेंगे जब हम करेंगे. तो अभी तो मुझे लगता है इसको किसी ना किसी शेड के साथ मिक्स करके करना पड़ेगा, बट लेट्स सी. सो दिस इज द फाउंडेशन दैट आई गॉट फ्रॉम इनसाइड. इसका पूरा अगर मैं आपको नेम बताऊं, दिस इज इनसाइड हाई कवरेज फाउंडेशन. दिस इज फ्री फ्रॉम पैराबेंस, फ्रेग्रेंस फ्री, लाइट वेट फॉर्मूला, हाई कवरेज एंड डूई फिनिश. ओके, सो दिस इज नॉट अ मैट फाउंडेशन, दिस इज अ डूई फाउंडेशन. तो ये मैंने एक लिया है. Moving on to the next thing, one more thing from Wow. This is the Wow body lotion, क्योंकि obviously it's winters और बहुत सारा hydration की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे moisturization की ज़रूरत पड़ती है. What better than a aloe vera body lotion, तो वो मैंने लिया है. Going to be reviewing this very very soon, क्योंकि मैं इसको use करना start करने ही वाली हूँ. So yeah, this is one body lotion that I got. Moving on to the next thing is this, which I'm really excited about actually. So मैंने ये लिया है, एक Maybelline की lipstick ली है. It looks so pretty. इस तरह के packaging में ये आती है and this is how it is. और इसका मैं आपको shade दिखाती हूँ. The shade is beautiful. I think ये मैंने जो shade लिया है that is more ruby and this is how the color is. It is so beautiful. मतलब it looks so 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 amazing. तो मैंने ये एक you know लिपस्टिक ली है फ्रॉम मेबेलिन. आई थिंक दिस इज द न्यू लॉन्च. आई माइट जस्ट डू अ रिव्यू ऑन दिस वेरी सून. देन आई हैव टेकन इनसाइड का एच डी कंसीलर पैलेट. सो लाइक आई सेड कि मुझे करना था, तो आई वॉज ट्राइंग अदर अदर थिंग्स और मुझे लगा कि मुझे ये भी लेना चाहिए. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस. आप ये कहाँ से खुलेगा? ओके, सो इट सो लाइक आई सेड कि मुझे ट्राई करना था ताकि मैं अलग अलग उसके ब्रांड्स के मेकअप लुक्स कर पाऊँ और वो सब. सो दिस इज द इनसाइट का कंसीलर पैलेट. आप देख सकते हो दिस इज द कंसीलर पैलेट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्वॉच एंड सी हाउ द शेड इज. ओके, क्या मतलब इनसाइड इतना ज़्यादा महंगा नहीं है ये पैलेट. टू बी ऑनेस्ट, दिस पैलेट रिटेल्स फॉर ₹285 ओनली. बट जो इसका फॉर्मूला है इट्स वेरी वेरी नाइस. मतलब अगर ये आपको एक बार में ओपेक कवरेज ना भी दे, यू कैन डेफिनेटली बिल्ड दिस अप विच इज़ अमेजिंग. क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसा सस्ते सस्ते में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँ. सो इसलिए इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स की तरफ से ये एच डी कंसीलर पैलेट है. नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट इज दिस. ये सिर्फ ₹90 की लिपस्टिक है, अगेन फ्रॉम इनसाइड, और इस तरह से इसका शेड है. एंड दिस लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट इज शोन इन द यू नो पिक्चर. ये एग्जैक्टली सेम शेड दिख रहा है एंड इट इज ब्यूटिफुल, लाइक अ मॉविश बट मोर ऑन द पिंक साइड. इस तरह से इसका कलर है, बट द फ्रेग्रेंस इज वेरी हाई. इट स्मेल्स लाइक यू नो लाइक सम बटर स्कॉच आइसक्रीम. इस तरह की इसकी स्मेल है. पैकेजिंग इज दिस. तो ये मैंने लिया है. सो या दिस वॉज इट. और मैंने और भी चीज़ें ली थी बट आई कुड फाइंड दीज पैक्ड. तो मैंने सोचा अभी मैं आपको पैक्ड चीज़ें दिखा देती हूँ एंड आई माइट रिव्यू अदर थिंग्स और उसके साथ मैं आपको बता दूंगी जो मैंने लिया था. सो दिस वॉज इट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड दिस वर ऑल द हॉल, यू नो, लाइक अ मेकअप हॉल और स्किन केयर बॉडी केयर हॉल जो मैंने लिया. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू डिड सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज पार्टिसिपेट इन द गिव अवे. मैं आपसे मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ. Till then, this is me, Ankita Singh. Goodbye. Ta-da.